फिर से स्वागत है जय आज चैनल में। हमारी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो आ चुकी है। अब मैं आपको एक एक करके थिंग्स दिखाऊंगा मैंने जो लिए हैं, और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले मैंने लिया है ये हैंडमेड पेपर, आपको दिख रहा होगा, वाटर कलर पेपर 300 GSM सब है यहाँ पे। फिर सिर्फ इसमें 5 शीट्स है। महंगा पड़ता है ये, आपको महंगा पड़ेगा। और ये आते हैं 125 में 125 रुपीज़ में 5 शीट्स आते हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, आपको ऑनलाइन में महंगा मिलेगा। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसा हैंडमेड पेपर है ये, बहुत ही अच्छा। और ये 15 रुपीस का भी A1 साइज का आ जाता है, फिर मुझे वो नहीं मिले इसलिए मैंने ये लिया है। ये एक है। और सेकंड थिंग जो है ये स्केच पेपर, ये स्केच पैक बोल के है यहाँ पे, लॉस्ट ड्राइंग शीट्स 50 शीट्स से, प्रीमियम क्वालिटी कार्ट्रिज पेपर है ये वाटर कलर के लिए, एक्रेलिक के लिए, ग्रेफाइट है, पेन एंड इंक भी के लिए, कलर पेंसिल्स, मार्कर, पेस्टल सब के लिए ये। ये मुझे 50 A4 साइज का 170 GSM का है, और मुझे ये 170 को 50 शीट्स पड़े हैं, 170 को 50 शीट्स पड़े। ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस किया है, बहुत अच्छा पेपर है ये। और नेक्स्ट है, मैंने कुछ पेंसिल्स बाय किए, और मेरा वो ड्रीम था बाय करने का स्टेटलर पेंसिल्स। ये है वो, ये है स्टेटलर पेंसिल, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के, बहुत ही महंगे है। जो बिगनर्स है वो मत लो ये, बहुत ही महंगे पड़ते हैं। 70 के 80 को एक पेंसिल पड़ती है, मुझे एक पेंसिल ये 50 में पड़ी है। बहुत मैं सस्ते को मुझे सस्ते में मिली है, और मैंने सिर्फ 10 ही पेंसिल्स लिए। 3X6 भी है, 4 भी है, और एज भी है। मैं जब पूरी ड्राइंग सीखूंगा मैं इसका एक पूरा पैक लूंगा, और अभी जो बिगनर्स है वो ड्राइंग सीख रहे वो फुल पैक मत लो, लेना है तो ऐसे सिंगल्स लो। मैं तो रिक्वायर करूँगा एच बी लो, बहुत अच्छी आउटलाइन के लिए एच बी पेंसिल। ये है थ्री मेरे स्टेटलर पेंसिल्स, मैं बिगनर के लिए रिक्वायर करता हूँ। आप आर्ट लाइन कैमलिन जैसे वो सस्ते वाले 40-50 में आने वाले पेंसिल्स लो। और आगे में जो आने वाले वो है अप्सरा के पेंसिल्स हैं, अप्सरा। और ये है मेरे पास, ये है एच बी वाली है, और ये भी एच बी है, मैंने ये अभी तक शार्प नहीं की है। और ये बी वाली है, बी लाइट होती है, एच बी भी लाइट होती है। हम ये दोनों आउटलाइन के लिए यूज करते हैं, मैंने ये शेडिंग पार्ट के लिए परचेस किए हैं। ये भी आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। और मैंने दो सॉफ्ट पेंसिल बाय किए हैं, वो मेरी जो पहली वाली थी वो छोटी हो चुकी है, और ये मैंने दो सॉफ्ट पेंसिल बाय किए, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स। मैंने एक को शार्प किया और बहुत ही यूज किया, काफ़ी ज़्यादा डार्क है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और नेक्स्ट है ये नॉर्मल अप्सरा की पेंसिल है, एक्स्ट्रा डार्क। ये भी हम आउटलाइन और शेड, ये हम आउटलाइन एंड और शेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यह मैंने एक ही परचेस की है। और मेरे पास है ये एक नटराज की एच बी पेंसिल है, ये एच बी, मैंने इसको कटर से किया, बहुत ही अच्छी इससे लाइट शेडिंग आती है। और मैंने इसका एक पैक भी लिया है, ये रहा 10 पेंसिल्स का पैक रहता है। मुझे ये लाइट शेडिंग के लिए बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने इसका पैक ही ले लिया। और आउटलाइन के लिए भी अच्छी है ये पेंसिल, इसलिए मैंने इसका एक बॉक्स ले लिया। और वो मुझे बहुत ही चाहिए था, वो है जेली रोल पेन, 8 नंबर का है। इससे डार्क हाईलाइट्स आते, बहुत अच्छे हाईलाइट्स आते। मेरे पास था वो, ये है पुराना वाला, ये इसका कोई ग्रेड नहीं है इसलिए बहुत ही इसके लाइट आते, और वो ये पेन कभी कभी नहीं भी चलता है पेपर पे, इसलिए मैंने ये ले लिया है।
जेली रोल पेन, मुझे एक ये जेली रोल पेन एक 40 का पड़ा है और ये मुझे एक 50 का पड़ा था। अभी आगे हम आते हैं, ये इसमें ऑयल पिस्टल्स 25 शेड के हैं, कैमलिन ब्रांड है और कैमलिन ब्रांड है ऐसा, और 85 रुपीज के मुझे पड़े हैं ये, इसमें 25 शेड्स है ऐसे, और यहाँ पे एक पेंसिल भी फ्री है ऐसे शेड्स है सारे, ग्रीन के, येलो है, पर्पल है, पिंक है, वाइट है, ऑरेंज है, रेड है, स्किन भी कलर है, बहुत अच्छा है ये। मैं अभी इससे आगे ड्राइंग करूँगा, मेरे इससे जल्दी वीडियो आने वाला है ड्राइंग का। और मुझे जो चाहिए था वो थी बेस्ट स्केच बुक, मुझे वो चाहिए थी, ये है स्केच बुक 100 पेजेस 140 GSM A5 साइज रिसाइकल है एवं आर्टिस्ट ड्राइंग बुक बुक बुक्स फॉर सक्सेस यहाँ पे लिखा है। ये मुझे 80 रुपीज़ पे ये 100 पेजेस की स्केच बुक मिली, वो ये मुझे बहुत ही चाहिए थी, बीच में नहीं आई थी ये दुकान में इसलिए मैं बाद में लिया। और ये है एक आई की ड्राइंग मैंने निकाली है ये वाली, इसमें आपने वो शॉर्ट वाला वीडियो देखा होगा, और ये मैंने एक स्केच बुक बाय की है, और मैंने ये बाय किए हैं वाटर कलर स्केक्स फॉर स्टूडेंट्स 70 रुपीज़ में 24 शेड आते हैं, मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगा ऐसे ही ये शेड से, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ये एक ब्रश भी मिला है मुझे इसके साथ, ये वाला फ्री का अच्छा ब्रश है, फिर इसके आगे की वो जो फेदर से वो अच्छे नहीं है, इसमें मैं इसकी भी एक फुल टाइम वीडियो लाऊंगा, ऑयल पेस्टल के मैं सब इसमें के टूल्स की फुल वीडियो लाऊंगा जल्दी ही। और अगला जो मेरा ये मैंने इसका चैलेंज बोला था, इसके कलर्स वो खराब हो के मैंने इसको फेंक दिए, अभी मैं इसको रेड और ग्रीन कलर यूज करूंगा इसके लिए, और ये आएगा 2 दिन में, ये चैलेंज का वीडियो आएगा 2 दिन में। और मैंने बोला था यहाँ पे एक सरप्राइज है, इसमें है नेकेड 3, ये ब्रश है ब्लेंडिंग वाले, मुझे बहुत ही ये चाहिए थे, मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने ये जो बाय किए हैं थे यह मुझे 12 मिले थे, 12 ब्रशेस है, बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग होती है इससे, बहुत ही अच्छी, इसलिए मैंने ये बाय कर लिए, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मैं इसकी भी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा अगले वीडियोस में। और मैंने मुझे भी पता नहीं, मैंने ये स्पंज क्यूज बाय किए मुझे दिखे और मैंने सोचा ले लो, इसलिए ये मुझे वाटर एक्रेलिक वर्क्स के लिए आते हैं, बहुत ही अच्छे, मुझे ये 50 को 2 मिले हैं। और ये जो है ये यहाँ के सारे मैं लोकल मार्केट से परचेस किया हूँ, सिर्फ ये ब्रशेस है ना ये मैं ऑनलाइन से परचेस किया अमेजोन से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और ये 2 स्पंज है ये भी लोकल मार्केट से, और मैंने ये ब्लैक पेपर मुझे ये 4 रुपीज़ का एक पड़ा, 12 रुपीज़ के मैंने 3 शीट्स लिए, बहुत ही अच्छा है, इस पर हम व्हाइट पेंसिल से ड्राइंग कर सकते हैं, मैं आगे की वीडियो में करूँगा। और मैंने एक पेंसिल शार्प के लिए एक कटर लिया है, ये चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही डेंजर है, चिल्ड्रंस ये मत ही लो, शार्पनर रहता है ना ऐसा वाला नॉर्मल, इससे करने का हम शार्प, इसलिए फिर मैंने ये कटर लिया है एक लोकल मार्केट से लिए। और है एक कार्ट्रिज पेपर A1 साइज का, मैंने इसको कट करके एक ड्राइंग बना रहा हूँ, उसकी जल्दी वीडियो आएगी। ये कार्ट्रिज पेपर है 10 रुपीज़ का A1 साइज का मुझे मिला था, और ये है इसके अंदर है सरप्राइज, इसके अंदर है होममेड चारकोल पाउडर, देखो कितनी सारी है, बहुत सारी है चारकोल पाउडर है, ये आप देख सकते हैं, ये चारकोल पाउडर है, मैंने घर में बनाई है चारकोल से, इसकी वीडियो मैं कैसे बनाते हैं 1-2 वीक में दे दूंगा, कर दूंगा इसकी वीडियो। ये बहुत ही सारी है, सिर्फ इतने कोल से इतनी सारी आई, देखो कैसी मेरे हाथ भी ब्लैक हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है ये।
होममेड आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं। ये एक कटरे में इन डिस्क्रिप्शन में मैं ये दो पेपर्स की लिंक नहीं दे सकता, ये दो, एक ये कटर और ये चैलेंजिंग इनकी, और ये एक स्पंज, इनकी नहीं दे सकता, बाकी सबकी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने इस पेंटिंग की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, जल्दी जाके देख लो। इन सब की ड्राइंग मटेरियल में आपको कौन सा ज़्यादा मटेरियल पसंद है मुझे कमेंट में बता, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड फ्रेंड्स के संग शेयर करिए, और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लेट्स बाय।